हम लोग रेल के लिए रात दिन दूर दूर शहरों में दूर दूर राज्यों में जा करके रेल के लिए हम लोग खून पसीना बहा रहे हैं कि रेल कैसे ज्यादा से ज्यादा रेल का अर्निंग हो, रेल को ज्यादा जैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा गैर कानूनी लोग जो उसमें सफर कर रहे हैं उससे बचे। और आज हम लोग इस कगार पे आ गए हैं कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बीवी बोलती है कि इस नौकरी को छोड़ के कोई दूसरा नौकरी नहीं है क्या। हालात ये आ गया है कि हमें जहां तहां पीटा जा रहा है बगैर कसूर का, और ऊपर से पीटने के बाद गलत इल्जाम भी लगा दिया जा रहा है। अब और उसके आगे हम लोग जब कहीं जाते हैं कोई भी मामला लेकर के कोई सुनने वाला नहीं है, ना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ना सिविल, ना ढूंढने लगता है ऐसा कि हम लोग दुनिया में यतीम हैं, हम लोग का कोई है ही नहीं। अब तो ऐसा दिन आने वाला है हमको लगता है 2-5 साल में कि कुछ लोग जिन लोग हिम्मत थोड़ा सा भी नहीं कर पाएंगे सुसाइड कर लेंगे। हालात ये आ गया है, आज पहली बार आप लोग भी देख रहे होंगे मीडिया के सारे लोग कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग काला पट्टी लगा करके घूम रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ का नुकसान किया, ड्यूटी करके हम लोग शांतिपूर्वक सारा काम हम लोग अपना कर रहे हैं। तो क्या हम लोगों को थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है कि हमारा सुरक्षा किया जाए? घटना तो क्या हुआ बताइए, घटना क्या हुआ था जो आज अभी अभी जो ये जो हालात हुआ, बीच बीच में अनगिनत घटना हो चुका है। अभी लेटेस्ट जो घटना हुआ है वो दानापुर के स्टाफ हैं, दानापुर डिवीजन के पटना में डिप्टी CTI हैं वो, उनका नाम पंकज कुमार है। वो श्रमजीवी एक्सप्रेस में अपना ड्यूटी पर काम कर रहे थे, ड्यूटी पर पहुँचने के बाद ड्यूटी अपना कर रहे, जैसे लोगों से टिकट मांगा जाता है वैसे टिकट मांगा गया। टिकट मांगने के बाद दो जवान उसमें थे बैठे हुए, वो दो जवान जो है टिकट दिखाने से मना कर दिए, बोले हम लोग जवान है टिकट नहीं दिखाएंगे, RPF के जवान टिकट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद भाई नहीं दिखाएंगे तो कुछ तो दिखाएंगे, आप आई कार्ड होगा, पास होगा, कुछ तो दिखाएंगे खाली, तो वो नहीं कुछ भी दिखाएंगे। ठीक है भाई, नहीं दिखाएंगे तो उसके बाद भाई फाइन दे दीजिए। फाइन का जैसे ही हमारे TT ने कहा वैसे ही उनसे तूतू मैं हुआ, तूतू मैं यहाँ तक नौबत आ गया कि TT को गाड़ी से पटना स्टेशन पर जब गाड़ी दानापुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुँची है TT को बाहर घसीट करके पीटते हुए ऑन ड्यूटी TT स्टाफ को अनमेंड गाड़ी करके पीटते हुए बैरक में ले जाके बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे वहाँ के जो साहब हैं उन लोगों के हस्तक्षेप से वहाँ से हमारे TT जो है छूटे किसी तरह से, अभी भी वो हॉस्पिटल में हैं। अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास ना हो आप इंक्वायरी कर लीजिए जाकर, आपका तो मीडिया चैनल है आप तो पूछ सकते हैं वहीं से कि हाँ ये पंकज कुमार बोल के कोई स्टाफ हॉस्पिटल में है और नहीं है। उसके बाद अधिकारी और उसके बाद अधिकारी अब उसके बाद अधिकारी हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि म्यूचुअल कर लीजिए, केस ना किया जाए। तो अब बताइए कि बिना केस किए हुए म्यूचुअल किए हुए अब क्या हम लोग क्या जान से चले जाएं? ठीक है केस ना हो अच्छी बात है, आपस में बैठ के कर लें तो कार्रवाई करें आप, तो कार्रवाई भी आप नहीं करेंगे तो हम लोग ये भी ना करें क्या? अगर आप कह दें मीडिया से हम पूछते हैं कि अगर हम लोग गलत हैं तो कोई बात ही नहीं है। आगे इस, क्या आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नसीम खान। যেটা আমাদের হচ্ছে সেটা আমাদের অল ইন্ডিয়াতে সমস্ত জায়গায়তে এটা প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে আমাদের একটা সিকিউরিটি দরকার, সিকিউরিটি ছাড়া আমরা কাজ করবো কি? সিকিউরিটির আমাদের প্রয়োজন আছে, সেটা আমাদের প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনও বলেছে আমরা চেষ্টা করছি শান্তিপূর্ণভাবে আমরা কাজ করতে চাই। আমরা প্রশাসনের প্রথম সারিতে, প্রশাসনে যখন প্রথম সারিতে আছি তখন তো আমাদেরকে সবাই দোষারোপ করবে, আজ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত কিছু হয় তার জন্য চেষ্টা। কোথায় ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা ডিটেলসটা? দানাপুর স্টেশন কি ঘটেছিল? দানাপুর স্টেশনে ওই তো আমাদের নাসিম খান তো টোটালটা বলেই দিয়েছে, সেটাই যেটা বলেছে ওটাই ঘটনা, যেটা নাসিম খান আমাদের টোটাল বলেই দিয়েছে সেটাই ঘটনা। আপনার নাম? আমার নাম তনু দত্ত, আসানসোল।